माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सब केश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज मेरे गुरुदेव 155 वर्ष के होते हैं। आज उनका जन्मदिन है। ये मेरे लिए एक बहुत पवित्र दिन है और आप लोगों को मैं अपना एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ। यही वो दिन होता है जब मैं आगामी वर्ष के लिए मुझे क्या करना है ये निर्णय लेता हूँ, जब मैं अपने लिए कुछ प्लान करता हूँ, जब मैं अपनी कमियों को दूर करने के लिए कुछ प्लान करता हूँ, वो मैं अपने गुरुदेव जी के जन्मदिन के दिन ही करता हूँ। पता नहीं क्यों इस दिन मेरे अंदर अद्भुत ऊर्जा होती है, एक महान संकल्प मेरे अंदर इस दिन उत्पन्न होता है। इस दिन मेरे अंदर वो भाव होता है कि मैं मेरे गुरुदेव को ये करके दिखाऊंगा। गुरुदेव का कठोपनिषद से लिया गया एक वाक्य जो सबको पता होगा, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तब तक मेहनत करते रहो जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। बच्चों, युवाओं, गुरुदेव कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है, इन्हें समझने की कोशिश करो, लेकिन इन्हें चमत्कार वाली आंखों से मत देखो। बहुत सारे लोग, हम सब लोग, बहुत सारे लोगों को भटका रहे हैं चमत्कारों में डाल डाल कर। यदि आप चमत्कार की ओर भागने के आदि हो गए, यदि आपका केवल भाव पक्ष ही जागता रहा और कर्म पक्ष सोता रहा, तो हमेशा याद रखना आप भटक जाओगे। आप इधर उधर, उधर इधर, इस डाल से उस डाल भटकते रहोगे। जीवन में कभी भी आपको सहारा और किनारा नहीं मिलेगा। भाव बुरा शब्द नहीं है, लेकिन कोरी भावुकता यह भी सही नहीं है। इसलिए स्वयं को चमत्कार की फिलॉसफी से निकालिए, स्वयं को कर्म से जोड़िए। आप जिन लोगों की पूजा करते हैं, उन्होंने केवल भाव पक्ष को नहीं देखा, उन्होंने आराधना साधना की और अपने जीवन में अपने धर्म को उतारा। लेकिन यदि आपका केवल भाव पक्ष जागता रहा, यदि आप देवी देवताओं के केवल नख शिख वर्णन ही करते रहे, बस उसी से स्वयं को संबद्ध रखा, तो हमेशा याद रखना धर्म आपके कर्म में नहीं उतर पाएगा। और भारत में यही हुआ भी है। मैं जिनकी पूजा करता हूं उनकी लेश मात्र भी बातें मेरे जीवन दर्शन में नहीं है, मेरे कर्म में नहीं है, मेरी एक्टिविटीज में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं नक्षक वर्णन से कभी आगे निकल ही नहीं पाया। मैंने केवल ऐसी कोरी फिलॉसफी सुनी और ऐसे ही गुण गाए, ऐसे ही भजन गाए, जिसने मेरे कर्म पक्ष को कमजोर कर दिया। मेरे अंदर भावुकता तो बढ़ती चली गई, भाव पक्ष तो जागृत होता चला गया, मैंने आनंद तो महसूस कर लिया, लेकिन भक्ति प्राप्त नहीं की। और हमेशा याद रखना, खास तौर से जो मैं आज बात कह रहा हूं, ये सब उन लोगों के लिए अधिक है जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो मन से युवा हैं। अपने अंदर भाव पक्ष, साहित्य पक्ष और कर्म पक्ष तीनों एक साथ जागृत करना। अगर एक बढ़ गया और दूसरा कम हो गया तो जीवन विध्वंसक हो जाएगा। धर्म कर्म सिखाने के लिए है, धर्म कर्म को एक अनुशासन देने के लिए है, धर्म कर्म को रास्ता देने के लिए है, धर्म केवल पूजा पाठ से आपको बांधने के लिए नहीं है। ये करोगे तो आप केवल चमत्कार में उलझ के रह जाओगे, कर्म पक्ष आपका कमजोर होगा। मेरे गुरुदेव आपको यही सिखाते हैं और इसलिए यह दिन मुझे लगा कि मैं आपसे बात करूं। देखो, मैं आपसे कुछ एक खास बात कहता हूं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को वह पसंद ना आए, क्षमा। लेकिन मेरे गुरुदेव हिंदुत्व के, बल्कि हिंदुत्व नहीं कहना चाहिए, सनातन संस्कृति के, बल्कि कहना चाहिए भारतीय संस्कृति के पुरोधा हैं। वह योद्धा सन्यासी हैं, वह एक वीर व्यक्ति हैं। उन्होंने अनेक भाषाएं जानी, उन्होंने अनेक भाषाओं का साहित्य पढ़ा, लेकिन उन्हें संस्कृत का भी ज्ञान है। वह वेदांत के मास्टर हैं,
उन्हें रामायण और महाभारत की गहरी समझ है, तो वह विज्ञान भी जानते हैं, वह मुक्केबाज भी हैं, वह घोड़ा भी चलाना जानते हैं, वह लठ चलाने में भी पारंगत हैं, वह मल्लयुद्ध यानी कुश्ती में भी पारंगत हैं, वह क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन उस सब के साथ साथ जब वो ध्यान और साधना के लिए बैठते हैं तो वह तुरंत समाधि प्राप्त करते हैं। यह होता है एक संतुलित व्यक्तित्व। और इस व्यक्तित्व का परिणाम क्या मिलता है बच्चों? इस व्यक्तित्व का परिणाम मिलता है निडरता, निर्भीकता, ज्ञान और आत्मविश्वास। मेरे गुरुदेव भारत के युवाओं को यह संदेश दे रहे हैं कि अपनी संस्कृति से जुड़ो, अपनी संस्कृति को समझो, अपनी संस्कृति पे गर्व करो। महानतम देश है ये, महानतम राष्ट्र है ये। इसकी गहराइयों को समझो, इसके विज्ञान को समझने की कोशिश करो, हर चीज का एक वैज्ञानिक विश्लेषण करने का प्रयत्न करो। यह संस्कृति परत दर परत खुलती जाएगी और आपको गर्व गर्व और गर्व से अभिभूत करती चली जाएगी। हिंदुत्व के पुरोधा, सनातन संस्कृति के ऐसे पुरोधा जिनको टर्की भी मानता है, जिनको इजिप्ट ने भी माना, जिनको ब्रिटेन ने भी माना और यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी माना, जिनके पीछे क्रिश्चियंस भी लामबंद हुए, उनके अकाट्य तर्कों से मुस्लिम भी प्रभावित हुए, उन्होंने भारत को ऐसी दिशा दी। 155 वर्ष, अभी तो क्या है, हजारों वर्ष तक आप देखिएगा भारत का युवा इस दिशा पर चलेगा, चल सकता है, लेकिन चमत्कार नहीं। कर्म की बात करो, कर्म कैसे किया जाता है यह सीखो। इस देश के युवाओं को मैं आज एक संदेश देना चाहता हूं, मैं आपका आवाहन करना चाहता हूं। संस्कृति पर हमले हो रहे हैं। भारत, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं, बहुत सारे सोशल मीडिया पर उठती हुई बातों को सुन रहा हूं, देख रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं, और मेरी समझ में यह आ रहा है कि यह संस्कृति पर हमले जानबूझकर किए जा रहे हैं, इनके पीछे तथ्य नहीं है। मेरा दिमाग जैसे कहते हैं ना पक गया जब मैंने एक कथित बुद्धिजीवी की फेसबुक पर यह देखा कि गुरुदेव कास्टिस्ट है। कमाल की बात है। गहराइयों से चीजों को समझो युवाओं, हम एक डार्क एज में प्रवेश कर रहे हैं। ये युग अंधकार का युग है जहां ज्ञान की गहराई में कोई उतरना नहीं चाह रहा, बहुत छिछले पानी में हम तैरना चाहते हैं। हम नहीं तैर सकते छिछले पानी में, हमें ज्ञान की गहराई में उतरना पड़ेगा और उतरना ही होगा, तभी आप इस संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस संस्कृति को समझो, अपने तर्क उत्पन्न करो, अपने दिमाग को खोलो। आपके दिमाग के पर जो अंधकार छाया हुआ है, उस अंधकार को, स्तंभ को मिटाओ, उससे आगे निकलकर देखो। आपका धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है और आप हमेशा विज्ञान की एक ठोस धरातल पर खड़े हुए संस्कृति के लोग हो, उसको समझो, उन हमलों को समझो जो ये हमले कर रहे हैं सनातन संस्कृति पे, उनके इरादों को समझने की कोशिश करो और उठ के खड़े हो, एक होकर उठ के खड़े हो। अभी भी बहुत कुछ बुरा नहीं हुआ है, हम एक होकर, इस प्रकार के थोड़े से लोग हैं जो समाज में भेद उत्पन्न करना चाहते हैं, बहुत थोड़े से लोग हैं ये बहुत उछले उतले उतले तर्कों वाले लोग हैं, और आप इन्हें परास्त कर सकते हैं, इनके गलत और नकारात्मक इरादों को ध्वस्त कर सकते हैं। ये वो संस्कृति है जिसमें भाव भी उत्पन्न हुआ, आस्तिकता भी उत्पन्न हुई, नास्तिकता भी उत्पन्न हुई। वेदों को मानने वाले भी हैं तो वेदों से दूर नास्तिक दर्शन में विश्वास रखने वाले भी हैं, और है सब कौन? सनातनी है सब कौन? भारतीय। बातों की गहराइयों को समझो, अपने मन को मजबूत करो। आपको पता है जब मेडिकल साइंस ये आंकड़े देती है कि हर छठा बच्चा भारत का डिप्रेशन की ओर जा रहा है, तब ये हृदय कुछ
चिंता करने लगता है, क्योंकि हम तो आप ही युवाओं पर, आप ही बच्चों पर आधारित हैं। हमें तो यह विश्वास है कि विश्वगुरु आप हमें बना ही देंगे, एक सुंदर सलोना जीवन आप हमें देंगे, लेकिन यदि आप कमजोर पड़ेंगे, आपका मनोबल, आपका आत्मबल यदि कमजोर पड़ेगा, हमारा क्या होगा। इसलिए हिम्मत मत हारना, लक्ष्य निर्धारित करो। गुरुदेव के पास जो सबसे बड़ी ताकत है, पता है क्या? उनका लक्ष्य उनकी सबसे बड़ी ताकत है, उनका ईश्वर में अखंड विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत है, और उनकी सबसे बड़ी ताकत है गुरु महाराज जी, यानी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी। ये तीन शक्तियां हैं उनके पास, और इन तीन शक्तियों की बदौलत जो सबसे पहली चीज सामने आती है वो है भारतीयता पर गर्व, भारत की संस्कृति पे गर्व, और इन्हीं चीजों को वह अपने हृदय में समेटे बिना किसी सहारे और आश्रय के अमेरिका से, ब्रिटेन से, टर्की से, इजिप्ट, पूरी दुनिया में इस भारतीयता का परचम लहरा देते हैं। आप क्यों नहीं कर सकते? हम लोग आज क्यों नहीं कर सकते? अपने अंदर के अवसाद को मिटाओ, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, अपने लक्ष्य निर्धारित करो, अपने बंधनों को तोड़ो। जो डर आपको बंधन के रूप में परेशान कर रहा है, उस डर से बाहर निकलो, उस निर्भीकता से इस दुनिया का मुकाबला करो, इस बुरे वक्त का मुकाबला करो और सामने आओ। आप पर तो आपकी अपनी जिम्मेदारी भी है, आप पर तो आपके परिवार की जिम्मेदारी है, और आप पर पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी है। ये कैसे होगा? डर कर होगा? नहीं। ये कैसे होगा? ज्ञान के बिना होगा? नहीं। ज्ञान का युग है ये। आज आपको सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं है किसी आंदोलन के लिए, आपको बस अपने मस्तिष्क के द्वार खोलने हैं, ज्ञान चक्षु उत्पन्न करने हैं। आपके पास इस संस्कृति के दिए हुए इतने शास्त्र हैं कि आप उसे समझ गए तो मन में कोई अवसाद ना रहेगा। आप गुरुदेव का इतिहास पढ़ना शुरू कीजिए, उनका जीवन दर्शन पढ़ना शुरू कीजिए, आप उनकी कठिनाइयां पढ़नी शुरू कीजिए। चमत्कारों में विश्वास नहीं कीजिए। हमारे सभी अवतारों ने बहुत कठिन जीवन बिताया है, अपने शरीर को तपाया और गलाया है, उसके बाद कहीं वह आपको हमको कुछ दे पाए हैं, तब जाकर उन्होंने इस धरती को स्थिर किया है। मेरे गुरुदेव ने क्या क्या नहीं सहा, भूख सही, 36 रोग सही, दुनिया की उलाहना सही, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया वो सहा, लेकिन उनका विश्वास नहीं टिका। उनके इष्ट, उनके गुरु, उनकी भारतीयता, इन तीन चीजों की वजह से वह दुनिया में किसी से नहीं डरे। अपने ज्ञान की वजह से, ज्ञान के संप्रेषण की वजह से वह दुनिया में किसी से नहीं डरे, और लेश मात्र भी कभी नहीं डिगे। उन पर भी तब भी हमले होते थे, आज भी होते हैं। राम जी पर तब भी कुछ बातें कही जाती थी, आज भी कुछ लोग हैं। श्री कृष्ण पर तब भी फिक्र कसे शिशुपाल ने, आज भी आधुनिक भारत में भी बहुत सारे शिशुपाल मौजूद हैं। संस्कृति की रक्षा ज्ञान चक्षु से होती है, संस्कृति की रक्षा आपके अपने तर्क से होती है। जातियों से बाहर आओ, ये जातिगत अहंकार हम आप सबको ले डूबेगा। इससे बाहर आओ, विकास की तरफ सोचो। आपको खुद का विकास करना है, और मैं केवल आर्थिक विकास की बात नहीं कर रहा, क्योंकि GDP या NNP यह केवल विकास के द्योतक नहीं है। GDP इज नॉट द ओनली इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, बट व्हाट यू आर फ्रॉम इनसाइड। कितना हंसते हो, कितना मुस्कुराते हो, कितना जज्बा है आप में, आप देश के लिए कितना सोचते हो, देश के लिए कितना करते हो, आप में ज्ञान कितना है, ज्ञान की पिपासा कितनी है, कितना ज्ञान और पाना चाहते हो, ये सब डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं। घर में कितना खुश हो, रिश्ते कितने बेहतर हैं, भोजन कैसा करते हो, ये सब डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं। इसीलिए बच्चों,
इसलिए इस देश के युवाओं, मैं आपका आह्वान करता हूँ, निर्भीक हो, निडर हो, ज्ञानवान बनो, गर्व करो कि तुम भारतीय हो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करो। एक बहुत बड़ी पीढ़ी आपकी तरफ अब देखने लगी है। आप 69% जनता होने जा रहे हो। अब आपके हाथ में ये देश है और अगर आपके ऊपर होने वाले सांस्कृतिक और वैचारिक हमले आप नहीं रोक पाए तो क्या करोगे? कैसे अपना जीवन जियोगे? घुट घुट के जियोगे ना? हंस के जीना है, निडरता से जीना है। मैं इस दिन आपसे एक और आह्वान करता हूं और वो आह्वान ये है, अपने अंदर का डिप्रेशन खत्म करो। तुम विजयी होगे। अपना लक्ष्य निर्धारित करके ईश्वर के रास्ते पर चलो। विजयी होना ही है, ये तय है। बहुत सारे ग्रह जनित दुष्पाप चलते ही रहते हैं, वह तो समस्त ग्रह तो किसी के भी अच्छे नहीं हुए, तुम्हारे भी नहीं है। संघर्ष तो राम और कृष्ण को भी करना पड़ा था, तुम्हें भी करना पड़ेगा, लेकिन उनका लक्ष्य स्पष्ट था, उनकी शिक्षा स्पष्ट थी, वह निडर थे, यही तुम भी हो जाओ। तो जो सफलता उन्होंने प्राप्त की, इस धर्म की स्थापना की, वह तुम भी प्राप्त करोगे। बिंदु से ब्रह्मांड की एक यात्रा होती है। बिंदु यानी आप स्वयं को मजबूत कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आप देखिएगा, आप अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र को भी मजबूत कर लेंगे। एक राष्ट्र अपने नागरिकों से जाना जाता है। राष्ट्र का अपना कोई पौरुषीय अस्तित्व नहीं, वह अपने नागरिकों की ज्ञान से, बुद्धि से, व्यक्तित्व से जाना जाता है। नागरिक विश्वगुरु होते हैं तब एक राष्ट्र को विश्वगुरु कहा जाता है। नागरिक बलवान होते हैं तब राष्ट्र को बलवान कहा जाता है। मैंने इस दिन एक निर्णय लिया है। यूं तो हर बार बहुत सारी चीजें मैं सोचता हूं। गुरुदेव का जन्मदिन आने से एक दिन पहले से ही मैं सब काम धाम छोड़ के सिर्फ सोचता हूं, चिंतन करता हूं, कुछ उनको कर दिखाने के लिए मैं बहुत कुछ सोचता हूं। इस बार मैंने कुछ नहीं सोचा, सिर्फ एक बात मेरे मन में आई, गुरुजी जो आपका लक्ष्य है अब वही मेरा कर्म पथ है। और मैंने ये सोचा है कि मैं अनेक स्थानों पर जाऊंगा, छोटे छोटे ग्रुप में मैं युवाओं से बात करूंगा, अपने धर्म अपनी संस्कृति की बात करूंगा, बुरे वक्त में कैसे हंस के जीते हैं यह आपको बताऊंगा, प्रार्थना की शक्ति क्या होती है ये बताऊंगा, प्रार्थना कैसे की जाती है ये बताऊंगा, मैनेजमेंट ऑफ लाइफ क्या होता है ये बताऊंगा, लीडरशिप क्या होती है ये बताऊंगा। मैं हर वो चीज़ जो छोटा मोटा ज्ञान है मेरे पास, ये तो विशालतम संस्कृति है, मैं इतना तो ज्ञानी नहीं, लेकिन जो मुझसे आता है मैं आकर आपको छोटे छोटे ग्रुप्स में बताऊंगा। मैं जितना भी कर पाया, आगे ईश्वर इच्छा, लेकिन मैं जब करूंगा तो करूंगा। आज के दिन मैं गुरुदेव के जन्मदिन की आपको बधाई देता हूं और आह्वान करता हूं आपका, उठो जागो और तब तक लगातार कर्म करते रहो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आज सोना मत रात भर, अपना लक्ष्य निर्धारित करने की कोशिश करना और उस लक्ष्य को पाने के लिए कितनी मेहनत करनी है ये तय करना। और केवल आप ही नहीं, इस जगत में ना जाने कितने युवा आज कर रहे होंगे, क्योंकि गुरुदेव के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे भी कहा जाता है। तो प्रभु आपको फिर शक्ति देता है जब आपका कर्म कुशलता को प्राप्त करता है, जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, तब वह योग बनता है जिसमें आप दिव्य शक्ति से जुड़ते हैं और तब ईश्वर आपको हारने नहीं देगा, वह तो हाथ पकड़ने के लिए तैयार खड़ा है। हम ही सकुचा के पीछे हट जाते हैं, हम उसे हाथ नहीं पकड़ाते। आज पकड़ा देना और चल देना इस सफल पथ पर, चल देना राष्ट्र की रक्षा पथ पर, चल देना धर्म की स्थापना पथ पर। बस आप सिर्फ एक काम करना,
ज्ञान चक्षु खुले रखकर अपने ईश्वर पर विश्वास रखना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। सकारात्मक शक्ति के आगे नकारात्मक शक्ति न टिकी थी, न टिकी है, न टिकेगी। इसलिए दिल को छोटा मत करना, आगे बढ़ो। तुम भारतीय हो, तुम उस संस्कृति के अग्रदूत हो जिस संस्कृति ने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया। ठीक है, बीच में बुरा वक्त आ गया, कोई बात नहीं, अब फिर वही वक्त लाकर दिखाएंगे, लेकिन ये वक्त आप लाएंगे। अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे किसान, अच्छे शिक्षक, अच्छे वकील, अच्छे जज, अच्छे पत्रकार आदि आदि बनने की कोशिश करो, अच्छा व्यापार करके दिखाओ। तो लक्ष्य तय करो, ईश्वर को अपना हाथ थमा दो और विश्वास करो, जीत जाओगे। कल लोहड़ी है, परसों मकर संक्रांति है, मैं इसकी भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और चलने से पहले गुरुदेव को प्रणाम करके पुनः आप सबका आह्वान करता हूं, उठो, जागो और कुशलता और श्रेष्ठता के साथ वह कर्म करो कि ईश्वर भी मजबूर हो जाए आपको तमाम बाधाओं के बाद भी सुफल प्रदान करने के लिए। बोलो एक बार मेरे साथ, भारत माता की जय।